हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल मोटो लाइफस्टाइल। सो दोस्तों, ये वीडियो हमारी राइड ख़त्म होने के बाद कर रहे हैं। आपको पता ही चला होगा थंबनेल से कि हम गए थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, और ये वीडियो लेट शूट करने की वजह ये थी कि ये हमारी पहली लॉन्ग रोड ट्रिप है जहाँ पर हम दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। हमने अभी तक जो राइड्स की हैं वो की हैं 120 to 130 किलोमीटर्स, तो ये हमारी पहली राइड है जहाँ पे हम 400 किलोमीटर जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है, तो जिस दिन हम निकले थे सुबह उस दिन काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, थोड़े नर्वस थे, तो ये जो हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो रह गया था। तो मेरा नाम है योगेश, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम लोग हमारी राइड की आज शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ओडोमीटर सेट करता हूँ 0 पे। एवरेज सेट करता हूँ 0 पे ताकि हमको पता चले कि हमारी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो अभी हम निकले हैं और हमेशा की तरह हम जब भी घर से बाहर निकलते कहीं दूर और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। ये मंदिर मेरे घर के बहुत पास है, आधे किलोमीटर पे। तो अभी गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी हम थाने ईस्ट से थाने वेस्ट जा रहे हैं, जहाँ से हम घोड़बंदर रोड पकड़ेंगे टू रीच टू फाउंटेन होटल, जहाँ से हम मुंबई अहमदाबाद हाईवे पकड़ के निकलेंगे टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। लेकिन हम आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं जाएंगे, आज हम हमारा अकोमोडेशन जो है राजपीपली में बुक किया है, जो 23 किलोमीटर है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे और कल सुबह हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाएंगे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल तो अंधेरा है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, वैसे भी शहर के रास्ते देखने में कुछ मज़ा नहीं है। तो एक बार हम हाईवे टच करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। ने माझीवाड़ा में हाईवे टच किया है और यहाँ से हम अभी घोड़बंदर के लिए निकलेंगे। यहाँ से फाउंटेन होटल करीब 10 किलोमीटर रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग फाउंटेन होटल। पिछले 2-3 दिन से थाने में काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है, स्पेशली हैवी व्हीकल्स का। आप देखेंगे मेरे राइट में सब कंटेनर्स और ट्रक्स की लाइन लगी है, और ये लाइन पिछले 2-2.5 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ। शायद ये वजह होगी कि आज से घोड़बंदर रोड जो है, घोड़बंदर ब्रिज जो है, वो हैवी व्हीकल्स के लिए बंद होने वाला है। तो ये सब गाड़ियाँ वाया भिवंडी जाएंगी। चलो, अच्छा है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वरना हम बुरे फंसते थे। फिलहाल हम लोग घोड़बंदर रोड क्रॉस कर रहे हैं और
जो बॉम्बे से उनको मॉल में पिछले कई दिनों से मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है और आज वरुण देवता ने हम पे मेहरबानी की है ताकि इतना मौसम साफ है। देर में हम पहुंचेंगे फाउंटेन होटल और आप देख सकते हैं ये नज़ारे बारिश के बाद और बारिश में। महाराष्ट्र का मौसम काफ़ी खुशमिजाज होता है और अभी हम पहुंच रहे हैं हमारा आज का पहला टोल प्लाजा जो फाउंटेन होटल के शायद से इन्होंने ये टोल प्लाजा हटा दिया है। पहले यहाँ एक टोल प्लाजा हुआ करता था जो कमर्शियल व्हीकल्स से टोल लेता था, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए फ्री हुआ करता था। तो हम पहुँच गए हैं अभी फाउंटेन होटल और ये सामने जो जंक्शन दिख रहा है ये है मुंबई अहमदाबाद हाईवे। यहाँ से अभी हम राइट लेंगे तो ये है फेमस घोड़बंदर ब्रिज। आप देख सकते हैं ये क्रीक है लेकिन काफी बड़ा क्रीक है। यहाँ पे काफी फिशिंग होती है, सैंड माइनिंग होती है और इसी ब्रिज का काम चालू होने वाला है आज से, तो 3 दिन के लिए हैवी व्हीकल्स के लिए बंद हो जाएगा। हम आपको बताना भूल गए कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ और एक हमारा फ्रेंड है, ही इज ऑल्सो नेबर। जो आगे जो बुलेट जा रही है ये उसी के, उसका नाम वरद है। घोड़बंदर रोड पे बीच बीच में काफी रोड खराब है, काफी गड्ढे हैं। मैंने आपको बताया कि बारिश अभी कल तक काफी बारिश हो रही थी तो गड्ढों में कीचड़ काफी बना हुआ है। लेकिन शायद से एक बार हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो रोड अच्छा होगा। वैसे अभी भी कुछ बुरा नहीं है, बस बीच बीच में पैचेस है इसकी वजह से। We are at what is this? Ahura. At Ahura, which is 106 kilometers from Thane on Mumbai Ahmedabad highway. So we just waited here breakfast करने के लिए और आज संकष्टी है, उपवास है, इसके लिए मैं साबुदाना बड़ा खा रहा हूँ। And that is Varad, my neighbor and a friend, जो मेरे साथ Statue of Unity आ रहा है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफ़ी धूप थी लेकिन अभी फिर से बादल आए हैं, तो लेट्स होप दैट बारिश ना हो। गाइस अभी हम महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे हैं और अभी हम गुजरात कर रहे हैं। यहां से राजपीपली गांव है जहां पे हम लोग रहने वाले हैं ओवर नाइट, नाइट में जहां पे हमारा स्टे होटल बुकिंग है वो करीबन 350 किलोमीटर है। तो जिस हिसाब से हम लोग अभी जा रहे हैं जो एवरेज है हमारा करीब 4:30 से 5 शाम के बजने चाहिए हम पहुंचने के लिए, लेकिन देखते हैं कोई जल्दी नहीं है। तो अभी हम गाड़ी की पेट्रोल भरते हैं तो
कि अभी ये, क्योंकि अभी ये एक ही पॉइंट पे आया है और कभी भी ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे पेट्रोल है 19 रुपीज़ 6 पैसा, मतलब मुंबई से 9 रुपये कम है। और हमने अभी कवर किए हैं 160 किलोमीटर्स। जगह है जहाँ पे हमें रोड गीला लग रहा है, मतलब बारिश होती गई है, बाकी सब धूप थी। अभी देखते हैं इस बारिश की धूप अलग है, वैसे बारिश हो नहीं रही है लेकिन रोड गीला है। अभी हम कड़ोदरा करके जगह है गुजरात में, यहाँ पे पहुँचे हैं और अब बारिश देख सकते हैं। और ये बारिश ऐसे पिछले 3 घंटे से हो रही है और काफ़ी दिक्कतें हो रही है, बहुत ट्रैफिक हो गई है और मोस्टली यहाँ पे सब बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो हम परेशान हो गए बारिश में, कुछ थोड़ा सोच लिया कुछ मैकडी में कुछ खाते हैं। मैकडी में हम लोग बैठ के थोड़ा लंच कर रहे हैं और अभी भी बारिश काफ़ी है बाहर, हम देख सकते हैं नॉन स्टॉप बारिश है, नॉन स्टॉप। तब प्लान था कि हम 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे बट अभी 1:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और अभी 137 किलोमीटर और बाकी है। तो लेट्स होप कि आगे जाके बारिश रुके और हमारा जो कल का घूमने का प्रोग्राम है तो हम इन्जॉय कर सकेंगे। वैसे मेरी आवाज़ साफ़ आती नहीं होगी क्योंकि बारिश की वजह से मैंने माइक का जैक बैग के अंदर डाल दिया। तो ये देख रहे हैं आप, ये रोड है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जाता है, इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। ये रोड की हालत आप देखोगे और ये पिछले 25-30 किलोमीटर से ये रोड ऐसे ही चल रहा है। और ये करीबन 40 किलोमीटर जाना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जो इंडिया में है, एटलीस्ट उस स्टैचू के पास जाने के लिए वाला रास्ता तो अच्छा हो। तो चलो मैं थोड़ा मनोवर करता हूँ इस रोड पे और बाद में आपसे मिलता हूँ। राजपिपला पहुँच गए हैं और ऑलरेडी चेक इन भी कर चुके हैं। होटल का नाम है होटल गार्डन प्लाजा, रूम छोटा है लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा है और बजट होटल से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं स्वामीनारायण मंदिर पोइचा गाँव।